तक शिक्षक का सम्मान फिर से स्थापित नहीं होगा तब तक शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना मुश्किल काम है। और जो गिरावट है उसका परिणाम है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते वक्त और कम संख्या उनकी होती है जो पढ़ लिखकर शिक्षक बनना चाहते हैं। कभी दूसरी जगह जब उनके लिए रास्ता नहीं होता तब उनके मन में आता है कि चलो कुछ नहीं तो टीचर बन जाओ, जबकि ऐसी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। शिक्षक का पद सम्मान का पद था आदमी होना चाहिए ताकि इस पेशा के प्रति नौजवानों के मन में आकर्षण से वापिस हो। वर्तमान जो बिहार की सरकार है उसके रवैया के कारण छात्रों के मन में शिक्षक बनने के प्रति आकर्षण की जगह विकर्षण पैदा हो रहा है, क्योंकि शिक्षक बनने की आकांक्षा लेकर उन बच्चों ने ट्रेनिंग ली, पढ़ाई की और आज जब शिक्षकों की वैकेंसी निकल रही है, लाखों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त नौजवान है, छात्र है, जिनको उस वैकेंसी में आवेदन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हमने महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखा है, शिक्षकों की बहाली और उसको ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का जो बिहार सरकार का निर्णय है उसमें कुछ अजीबोगरीब शर्तें लगाई गई है जिनकी वजह से बड़ी संख्या में छात्र नौजवान इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। हमने पत्र लिखकर महामहिम से कहा कि महामहिम अविलंब आप हस्तक्षेप कीजिए ताकि इन बच्चों के उजड़ते हुए भविष्य को बचाया जा सके। हमने महामहिम से पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन मिलने के लिए समय भी मांगा है, समय मिलते ही उनसे मिलकर इन तमाम बातों की चर्चा हम करना चाहते हैं और उनके महामहिम के ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं ताकि महामहिम चीजों को ठीक से देख सके और आवश्यक स्टेप्स ले सके। बिहार की सरकार को आवश्यक निर्देश उनकी ओर से जा सके। हम इन विषयों के साथ बीएड करने वालों को शिक्षक नहीं बना सकते हैं तो फिर बीएड करने के समय ही विद्यार्थियों को रोकना चाहिए था कि नहीं आप बीएड मत कीजिए, आपको हम शिक्षक नहीं बना पाएंगे। बीसीए भी बीएड करने का एक आधार माना गया है, बीसीए करने वाले छात्र भी उन्होंने भी बीएड किया है। अब सरकार उनकी बहाली से भी उनको वंचित कर रही, वैसे बीएड डिग्री धारी नौजवान छात्र जिन्होंने पढ़कर सर्टिफिकेट हासिल किया, सरकार को यह लगता था कि उनकी नौकरी नहीं संभव है, वैसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है, तो फिर बीएड सरकार कि किसी संस्था या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही किए की उनको क्यों दी गई, यह बड़ा सवाल है। उनके जीवन को बर्बाद क्यों किया गया? आज अगर शिक्षक बनने से ही वंचित रह जाएंगे जिन्होंने बीएड की ट्रेनिंग की है, वैसे नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? एक तरह से सरकार
नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अतिरिक्त और जो समस्या है जिसकी ओर भी हम महामहिम का ध्यान उस पत्र के माध्यम से आकर्षित कराना चाहते हैं, एक तो पात्रता परीक्षा से संबंधित ही उसमें वैसे छात्रों को भी शामिल होने से मना किया जा रहा है जो अभी बीए की परीक्षा में अपीयर हुए हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट को पहले मौका मिलता रहा है, 8 साल के बाद अभी एसटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है, 8 साल के बाद इस बार जो अपीयरिंग कैंडिडेट है परीक्षा उन्होंने दे दी है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कारण उनको समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, उसमें आखिर उन विद्यार्थियों का क्या दोष है।